टू प्रियान्वी किचन। तो आज मैं आलू की कचौड़ी बनाई हूँ, बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ आपको कि झटपट कैसे बने हैं, बिल्कुल नए तरीके से है और देख सकते हैं कितने फुले फुले से बने हैं और बहुत ही कम टाइम से एकदम नई रेसिपी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर और लाइक तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाते हैं। आलू लिया है, आलू को कर लिया है मैंने बॉइल्ड। बॉइल करने के बाद इसको हमने कर दिया मैश, थोड़ा खड़ा होना चाहिए। और इसके लिए मैंने हरी मिर्च बारीक काट लिया हुआ है, धनिया लिया है ढेर सारा हरा धनिया, प्याज लिया है, लहसुन ली है बारीक काटी हुई, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सारी चीज़ों को कर देंगे हम मिक्स। इसमें ऐड कर देंगे जीरा, गरम मसाला, अजवाइन, जीरा पाउडर, थोड़ी सी सूखी मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है, थोड़ा सा पीसा हुआ काली मिर्च, काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको कर लेंगे हम मिक्स। सारी चीज़ों को कर लिया हमने मिक्स, चलिए फिर बनाते हैं। आटा मैंने पहले ही गूंथ लिया है, मैंने थोड़ा सा लोई ले लिया है, हल्का सी इसे बेल के बड़ा कर लेंगे। इसमें स्टफी जो बनाई है मैं इसमें भर दूंगी। इसको हम हल्का सा बेल लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। तवा को हमने रख दिया गर्म होने के लिए, उस पर हम पहले इसको डाल देंगे। इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे। सेक गई हैं एक तरफ से, आप देख सकते हैं। एक साइड मैंने कढ़ाई रख दिया है, गर्म होने के लिए ऑयल डाल दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल का अक्सर यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है खाने में, हेल्दी भी होता है। तो ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें पूड़ियाँ डाल दूँगी। सेकने से फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता और बहुत झटपट पूड़ियाँ बन जाती हैं, तो सेकने से बहुत अच्छा होता है, वो कच्चापन बिल्कुल नहीं आता और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये है, ये सारी चार से ऑयल डाल दें। तो ये गर्मा गर्म मेरी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं, कचौड़ी कितनी झटपट बन गई है। आपको पसंद आया तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।